Hello and assalamu alaikum listeners and viewers. This is me, your host Faraz. Our show is Meri Kahani. जनाब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी कहानी के हर एपिसोड में हम लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर से रखने वाले ऐसे लोगों को मधु करते हैं जो आकर अपनी जिंदगी में कामयाबी की कहानियां सुनाते हैं और बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। तो जनाब इसी तरह से आज हमने अपने खास गेस्ट फराज रजा साहब को लाइव मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से अपने साथ लाइव लिया है। और फराज रजा जो है वो आपको मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान सोशल मीटअप के नाम से एक ग्रुप चलाते हैं जो जिसका काम ही सोशल जो है वो सोशली अवेयरनेस देना और लोगों को जोड़ना है। और आप उसके चीफ इंगेजमेंट ऑफिसर हैं और इसके साथ साथ जनाब आप एक दूध पत्ती के नाम से बड़ा यूनिक आपने नेम चूज किया है माशाल्लाह, आप दूध पत्ती टीवी के नाम से एक चैनल भी चलाते हैं जिसमें आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। बहुत सारी चीजें हैं जो यकीनन हम इनसे जानेंगे और इनकी स्टोरी इनकी कहानी इन्हीं की जबानी ही आज हम लोग इस शो में डिस्कस करेंगे। वक्त तो जाया कि बगैर आगे चलते हैं और फराज भाई से अपने आगाज करते हैं। फराज भाई मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कावर को फाद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं अल्लाह का शुक्र है। फराज भाई हम लोग जानना चाहेंगे कि फराज रजा साहब की कहानी कहां से शुरू हो रही है और अभी तक माशाल्लाह आप कहां पहुंचे हैं, जरा बताइए। कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है यार, बैक इन 2009 मैंने जैपस कराची से एमबीए किया मार्केटिंग में, उसके बाद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ज्वाइन किया था, वहाँ थोड़े से काम किया, उसके बाद मैंने KESC को ज्वाइन कर लिया था एज एन ऑब्जेक्टिव, एक टीम बनी थी यार इसको टर्न अराउंड करना है, ब्रांड इसको एक बनाना है, क्योंकि उस वक्त जो है वो KESC को एक ब्रांड नहीं होता था, एक सर्विस तो थी लेकिन उसके अंदर कोई प्रोमिसेस नहीं थे। तो आपने देखा ही है कि इलेक्ट्रिक कराची में कैसे उसने टर्न अराउंड किया है और अब इट इज ऑलमोस्ट अ ब्रांड नाउ देयर। तो वो उसकी टीम में काम किया, न्यू कनेक्शंस में डायरेक्टरेट को जो है वो सर्व किया एज अ मैनेजर न्यू कनेक्शंस। उसके बाद एक डिसीजन लिया कि यार बाहर चलते हैं, बाहर चल के दुनिया देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का रुख किया, मेलबर्न पहुंचे, यहाँ पर आए। इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट हमें एक साल हो गया है आज, लेकिन लर्निंग जिस आदमी के पास होती है तो वो कोशिश करता है ना कि और लर्न करे और चीज़ों को लेके चले। तो यहाँ आते ही ऑलमोस्ट कोशिश की कि यार ग्रैस्प करें सारी चीज़ों को, और फिर दो तीन प्रोजेक्ट्स का स्टार्टअप लिया, देखा कि यार कैसे हो सकता है, यहाँ जितनी कम्युनिटी है उसको कैसे एंगेज कर सकते हैं बैक इन पाकिस्तान। थोड़े से अरसे में सोचा कि यार क्या अब पहुँच गए हैं तो वापस क्या देना है, आपका एक कर्ज होता है मुल्क के ऊपर वो कैसे उतारना है ऐसा ऐसा, तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहा हूँ। सही, ठीक हो गया। तो फराज भाई हमारे सुनने और देखने वाले जानना चाहेंगे कि ये जो आपके खास प्रोजेक्ट्स हैं जरा इनकी तफसील बताइए और इनका आम लोगों के लिए मतलब क्या इम्पैक्ट है हम लोगों की लाइफ पे खास तौर पर पाकिस्तान में। यार सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक पेज लॉन्च किया फेसबुक के ऊपर, पाकिस्तान सोशल मीटअप, इट्स अ कम्युनिटी पेज और आई एम अ फाउंडर ऑफ दैट एंड चीफ एंगेजमेंट ऑफिसर फॉर दैट। व्हाई एम आई चीफ एंगेजमेंट ऑफिसर फॉर दैट? आई हैव टू एंगेज ऑल द कम्युनिटी अराउंड दैट। तो उसके लिए बिकॉज मैं उस पूरे प्रोसेस से मैं खुद गुजरा, जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आई एम नॉट द ओनली वन, लेकिन ऑब्वियसली जब आप कोई गैप फील करते हैं कि यार हाँ ये गैप है इसको फिल करना चाहिए, तो मैं उन लाइन्स पे इस पर काम कर रहा हूँ कि जो लोग माइग्रेट होकर आते हैं ऑस्ट्रेलिया या जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो फैमिलीज आती हैं उनकी एक क्विक गाइडलाइन उनको मिले। हम लोगों से मिलते हैं जाके, यहाँ पर सब अर्ब्स का तरीकाकार होता है, जैसे पाकिस्तान में इलाके होते हैं, हमारा ये इलाका है, आप लहिया से हैं, कराची से हैं, तो यहाँ सब अर्ब्स कहलाते हैं कि डिफरेंट सब अर्ब्स में लोग आके बसते हैं और उनको फिर हमें कॉन्टैक्ट करना होता है और उनको हम क्विक गाइडलाइंस देते हैं कि यार आप कैसे यहाँ पर जो सारे सिस्टम्स हैं, यहाँ पर आपको अपना टैक्स फाइल नंबर कैसे बनाना है, यहाँ पर आपको अपना जो सोशल कार्ड होता है सोशल सिक्योरिटी कार्ड वो कैसे बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना है, किसी स्कैम में कैसे नहीं आना है, पाकिस्तान का कोई बैड रिप्यूट या कोई बैड इमेज आप ना क्रिएट करते हैं, इसका भी हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि यार पाकिस्तानी जितने आए हैं वो एज अ ब्रांड उसको लेकर चलें, कि क्योंकि मल्टीकल्चरल है बहुत ये सिटी जो मेलबर्न है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ बसते हैं, तो उनके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट यार हमारा है दूध पत्ती टीवी ऑस्ट्रेलिया, ये जरा सा यूनिक प्रोजेक्ट है, इसका भी मैं फाउंडर हूँ और इसका चीफ क्रिएटिव ऑफिसर हूँ। ये इसलिए लॉन्च किया है
कि मेलबर्न के अंदर जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए कोई एक ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर कोई एक ऐसा टीवी चैनल नहीं है, कोई एक ऐसा वीडियो चैनल नहीं है जो यहाँ पर काम हो रहा है उसको हाईलाइट किया जाए। अगर बहुत बड़े स्केल पे आप कोई काम करते हैं तो वो यहाँ पर जो यहाँ के जो न्यूज़ के इदारे हैं, जो बड़े न्यूज़ के इदारे हैं, वो उसको कैच करते हैं। अदरवाइज जो जितने लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए कोई पजीराई नहीं है, उनके लिए कोई मीडियम नहीं है। तो वो मीडियम मैंने लॉन्च करने का सोचा कि इतनी यहाँ एक्टिविटीज होती हैं और उसको कैसे हाईलाइट किया जाए। ऑन द अदर एंड एक सोच ये भी आई जहन में कि यार पाकिस्तान में हमारी जितनी यूथ है, अगर आप 10 में से 8 से पूछेंगे तो सपोजिटली वो यही कहेंगे कि जी हमें बाहर जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें अमेरिका जाना है, हमें फ्रांस जाना है। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि यहाँ पर यार इस दुनिया में है क्या। सोशल मीडिया के थ्रू आप ये देख तो लेते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन उनको ये आइडियाज देना कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में काम कैसे हो रहे, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज हैं, छोटी छोटी चीजें जो कि आप रेप्लिकेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान। तो इस टीवी को बनाने का बेसिक मकसद ये है टू स्टील द आइडियाज फ्रॉम हेयर एंड एक्सपोर्ट देम बैक टू पाकिस्तान, ताकि जो हमारी यूथ है वो उसको इम्प्लीमेंट करे, उससे अर्न करे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो पाकिस्तान में, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें अपने लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए भी वो इम्पैक्ट क्रिएट करें। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, यकीनन आपके दोनों प्रोजेक्ट्स है वो डायरेक्टली फायदेमंद साबित होंगे फराज भाई, ना सिर्फ वहाँ पे कम्युनिटी के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में यंगस्टर्स के लिए। तो बहुत सारे लोग फराज भाई ऐसे होंगे जो आपकी ये बातें सुनकर खासतौर पर आपके चैनल्स के जो रिसोर्सेज हैं वो जानना चाहेंगे, उनके लिंक्स जानना चाहेंगे और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, कॉन्टेक्ट करना चाहें, तो जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन है और रब्ते के ज़रिए हैं वो काइंडली आप शेयर करें। मैं बिल्कुल यार डायरेक्टली एक्सेसिबल हूँ फेसबुक के ऊपर फराज रजा के नाम से, और PSM ऑस्ट्रेलिया अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक के ऊपर तो आपको PSM ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा, और आप अगर सर्च करेंगे दूध पत्ती टीवी ऑस्ट्रेलिया का तो वो चैनल भी आपको मिलेगा और उस पर मैं डायरेक्टली एक्सेसिबल। दूध पत्ती टीवी ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर लॉन्चिंग हम करने जा रहे हैं 14th of August को इंशाल्लाह, और उसको हम प्रॉपर लॉन्च करेंगे और उसके बाद से इंशाल्लाह फुल लेंथ वीडियोस के ऊपर जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं और जो आइडियाज़ हैं वो हम एक्सपोर्ट किया करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम आपको उसके ऊपर कंप्लीट जो गाइडेंस है वो दिया करेंगे। PSM ऑलरेडी ऑपरेशनल है इस वक्त, लेकिन चूंकि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल कि रातों रात उस पर 10,000 लाइक्स पड़ गए, ऐसा नहीं है। तो चूंकि ये जरा पर्पस बिल्ड पेजेस हैं, पर्पस बिल्ड एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इसमें ज्यादातर वही लोग हमसे जुड़ते हैं जिनका उससे मकसद होता है। तो वो है ऑपरेशनल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। अब आपके चैनल के तवसुत से, आपके प्रोग्राम के रिलेशन से लोग उसको देखेंगे तो डेफिनेटली लोग उसमें अपना इनपुट भी देंगे, और दैट इज ऑलवेज वेलकम कि आप अपना इनपुट दें, हमें यही चाहिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको हमारा आइडिया कैसा लग रहा है, आपको क्या सीखना है आप हमें बताएं, हम यहाँ से आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन देंगे कि हाँ यार ये काम यहाँ कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है वो अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलना चाह रहा है, छोटा सा काम कर रहा है पाकिस्तान में, वो देखना चाह रहा है कि यार ब्रांडिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया में कैसे काम हो रहा है, डू राइट टू अस, हम आपको बताएंगे कि हाँ यार हम आपको पूरी गाइडलाइन दे देंगे कि हाँ यार प्रैक्टिकली यहाँ काम कैसे हो रहा है इन एवरी एस्पेक्ट। तो दैट इज द आइडिया। सही, ठीक हो गया। और फराज भाई दूध पत्ती जो टीवी चैनल है उसके हवाले से भी आपको बता दें कि अगर लोग उसको ढूंढना चाहें तो उसका क्या लिंक है। उसका दूध पत्ती टीवी ऑस्ट्रेलिया ही लिंक है, फेसबुक के ऊपर ये अवेलेबल है और उसके ऊपर आपको अभी इस वक्त टीजर्स मिलेंगे। टीजर्स बेसिकली हमने डिजाइन किए हुए हैं, इस वक्त कंप्लीट वीडियोस नहीं है, उसमें सिर्फ हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आए इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को लाइक करवाएं और उससे मल्टीपल इफेक्ट बने ताकि जितने लोग उसको देखेंगे। और मैं एक और चीज आपके चैनल से बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसुत से कि ये दोनों जो हमारे चैनल्स हैं, दोनों जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये नॉन प्रॉफिट हैं, इससे हम कोई डॉलर्स नहीं ले रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, किसी से ये नहीं कह रहे कि हमारे पास फलाना फीस जमा कराओ, दिस इज नॉट अ स्कैम, वी आर गिविंग अ टाइम हियर जस्ट फॉर द बिलवड कंट्री, फॉर द बिलवड कंट्री मैन, उनके लिए हम टाइम दे रहे हैं, उनके लिए एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, बिकॉज वी लव पाकिस्तान। जब बंदा बाहर आ जाता है तो उसको पाकिस्तान से और प्यार हो जाता है,
So we are amongst those guys, we are amongst those people, amongst those citizens of Pakistan, जिसको बाहर आके और फील होता है कि नहीं यार और हेल्प होनी चाहिए और हमें हम कुछ कर सकें पाकिस्तान. तो ये है सुने. माशाल्लाह फराज भाई, आपका जज्बा यकीनन काबिले तारीफ है और इसका इम्पैक्ट भी जरूर पड़ेगा. आप इसी तरह से अपनी क्वेश्चन जारी रखिए और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस हैं सुनने और देखने वाले, आप उनके लिए कोई खास मैसेज, कोई पैगाम अगर देना चाहें तो जरूर. वो आपने एक मिसल सुनी होगी कि यार दूर के ढोल सुहाने. तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी बाहर मुल्क ना जाएं और मतलब लोग कहेंगे यार खुद को बाहर बैठे हैं और बाहर से बैठ के हमें मशवरा दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. आप आए, बिल्कुल आए यार. अगर किसी और मुल्क जा रहे हैं तो वहाँ जाके पाकिस्तान के लिए काम करें, अपनी प्रोग्रेस के लिए काम करें, अपनी करियर बिल्डिंग करें, लोगों के लिए भी प्लीज करें. खाली हर चीज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व हो जाता है. हर चीज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें. पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट की इस वक्त बहुत जरूरत है. हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें ऐसी पर्सनैलिटीज चाहिए, आप ऐसी यूथ चाहिए हमें जो कि डिफरेंट आइडियाज को लेकर ये काम कर रहे हैं, अपने स्टूडियो से बैठ के कर रहे हैं. मैंने इमेजिन नहीं किया था, मैं समझ रहा था कि यार ये प्रोग्राम शायद कराची से हो रहा होगा, ये प्रोग्राम शायद लाहौर से हो रहा होगा, ये प्रोग्राम शायद इस्लामाबाद से हो रहा होगा. आई एम सो मच इम्प्रेस्ड कि ये प्रोग्राम लैया से हो रहा है. और आपने मुझसे कहा आपको लैया कैसे पता चला है. आप लोग जैसे लोग हैं जो कि बता रहे हैं दुनिया को कि हाँ यार लैया भी ये मुल्तान के पास कोई जगह है और वहां से इतना क्रिएटिव काम हो सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपने जिन अल्फाज का इजहार किया यकीनन जी हमारे लिए जो है वो हौसला अफजाई का बायस बने हैं और इसी तरह से आप लोगों की ही कोऑपरेशन से ये शो चल रहा है. तो इसी शो की बात हो रही है तो आप कुछ मशवरा देना चाहें, कुछ मजीद हमारे शो मेरी कहानी के बारे में बोलना चाहें. नहीं, मुझे अभी तक आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल, आप यू आर गोइंग इन द राइट वे और इन द राइट डायरेक्शन. इसमें अगर आप सिर्फ अगर आप आउटडोर्स भी निकल सके, मेरी भी वीडियोस आप देखना, स्टूडियो एनवायरनमेंट में मेरी वीडियोस नहीं होंगी दूध पत्ती टीवी की. आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें या तो गेस्ट्स को बाहर लें कि यार ज़्यादा एनवायरनमेंट दिखाओ, उनको बाहर निकलो, हम आपको बाहर कैचअप करते हैं आपसे, और खुद भी थोड़ा बाहर निकलें. समझ रहे हैं मेरी बात? अपने आउटडोर कुछ थोड़ा काम करें. स्टूडियो बेस्ड अगर आपकी सारी एपिसोड्स होंगी ना तो वो जरा एक रेटोरिकल एक वो बन जाता है, स्पीयर बन जाता है कि यार वो एक तरीके का काम हो रहा है. हालांकि आप एक तरीके का काम नहीं कर रहे, हर आपकी एपिसोड में डिफरेंट पर्सनैलिटी बैठी हुई होती है, डिफरेंट आइडियाज शेयर हो रहे होते हैं. लेकिन वही वाली बात है ना, कपड़े तो हम रोज पहनते हैं लेकिन अगर किसी दिन चेंज कर करके पहने डिफरेंट स्टाइल तो वो एक आंखों को लुभाता है. तो कहने का मकसद ये है कि आप भी थोड़ा आउटडोर्स पे भी थोड़ा काम करें और अपने गेस्ट्स को भी बोलें आउटडोर इंटरैक्टिव बाहर जाके जरा कुछ दिखाएं कि क्या चल रहा है, कैसा है, तो वो जरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आता है. माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है फराज भाई और यकीनन हम लोग जो है वो इस हवाले से इस चीज़ पे जरूर गौर करेंगे और बल्कि बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा. तो बहुत शुक्रिया आपका फराज भाई कि आपने हमें ज्वाइन किया लाइव मेलबर्न से, अपना टाइम निकाला और हम लोग इन फ्यूचर भी आपके प्रोडक्ट्स और आपके काम के हवाले से हम सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे और आपको हम लोग नेक्स्ट टाइम भी जरूर इंशाल्लाह अपने किसी और शो में इन्वाइट करेंगे. मैं बिल्कुल वेट करूंगा कुछ अरसे बाद कि आप मुझे दोबारा अपने शो में लें और ना सिर्फ एक पर्सनैलिटी को बल्कि आप कोशिश ये करें कि यार एक दो पर्सनैलिटीज को एट द सेम टाइम अगर लेकर किसी एक टॉपिक पे उनकी राय लें तो वो भी एक अच्छा आइडिया है कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं बाय इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टू हैव अ डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक. So that's just an idea. That's your baby man. That's your program. That's your project. But I'm just giving an idea. बहुत शुक्रिया आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे ideas हैं और आपने हमें on-air ideas दिए, हम इसके लिए भी आपके मशहूर हैं. बहुत सारे और लोग भी इस चीज़ से सीखेंगे और फराज भाई जरूर हम आपसे रब्ते में रहेंगे बिल्कुल और इन फ्यूचर जो है वो आपके साथ हम लोग मजीद इस तरह के एपिसोड करना चाहेंगे. आपका बहुत शुक्रिया अपने टाइम निकाला और आपने नवाजिश आप खुश रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह.
you.